गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने इंग्लिश का लेसन नंबर 2 शुरू किया था, जिसका नाम था द क्लचेज ऑफ लैंडलॉर्ड, मतलब जमींदार का चुंगल। ठीक है, इस स्टोरी में हमने पढ़ा था एक शेपर्ड था, शेपर्ड जो मतलब चरावा, जिसका नाम था टॉम, और एक लैंडलॉर्ड था जिसका नाम था मिस्टर जॉर्ज, और उसके फादर जो टॉम के जो फादर थे वो एक किसान थे। लास्ट में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो मिस्टर जॉर्ज है वो टॉम से पूछते हैं तुम्हारी मदर जो है, तुम्हारी मम्मा जो है वो क्या कर रही है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि उसने क्या बातें की थी टॉम से। शी इज़ बेकिंग द चपातीज ऑलरेडी ईटन, रिप्लाइड टॉम। टॉम कहता है मिस्टर जॉर्ज को, मेरी मदर जो है वो चपातीज मतलब रोटी पका रही हैं जो हमने पहले ही खा ली हैं। द लैंडलॉर्ड वॉज लुकिंग कन्फ्यूज, जो लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार था वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहा था, सॉरी कन्फ्यूज मतलब उलझन में लग रहा था। व्हाट डू यू मीन, वो कहता है टॉम से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। ही आस्क्ड, वेल सर, टॉम जो है वो उसको बताता है, माई मदर हैड बोरोड ए लिटिल फ्लोर फ्रॉम द नेबर्स टू फीड अस ऑल। कहता है जो मेरी मदर है वो पड़ोसियों से कुछ आटा जो है वो उधार पर लेती हैं हमें रोटी खिलाने के लिए। नाउ शी इज़ बेकिंग सम चपातीज इन ऑर्डर टू गिव दैम टू द नेबर्स, और अब वो चपातियाँ बना रही हैं उन नेबर्स को वापस देने के लिए। As the chapatis are baked, जो कि उन्होंने चपातीस बना ली हैं, she shall go and borrow some more flour from someone else to feed my father, so that he may work on foolish Mr. George's field। कहता है कि जो उन्होंने चपातियाँ बना ली हैं, फिर अब वो क्या करेंगी कि कुछ और आटा किसी और पड़ोसी से उधार पर लेंगी, उससे क्या करेंगी मेरे पिताजी को वो रोटी खिला सकेंगी, और मेरे पिताजी जो हैं मिस्टर जो फुलिश जो बेवकूफ़ मिस्टर जॉर्ज है उसके खेत में काम करेगा। मिस्टर जॉर्ज वॉज गिविंग टॉम एन एंग्री लुक एंड थिंकिंग टू हिमसेल्फ। मिस्टर जॉर्ज जो हैं वो टॉम की तरफ बहुत गुस्से में देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। आई विल टीच यू ए लेसन, उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। यू जस्ट वेट, तुम इंतज़ार करो, यू शेपर्ड तुम चरवाहा। हाउ डेयर यू स्पीक इल ऑफ मी ऑन माई फेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे ये सब बोलने की। ही टर्न टू टॉम एंड सेड, वो टॉम की तरफ मुड़ते हैं और उनको पूछते हैं, डू यू नो आई एम द लैंडलॉर्ड, क्या तुम्हें पता है कि मैं ही जमींदार हूँ। कम टू माई हाउस टुमारो, और टॉम को बोलते हैं कल तुम मेरे घर आओ, एंड आई शैल टेक केयर ऑफ ऑल योर वरीज, और मैं तुम्हारी सभी मुश्किलों का ध्यान रखूँगा। सेइंग दिस ही रोड अवे, ये सब उन्होंने रोड मतलब कि एक सॉरी ही इज सेइंग दिस ही रोड अवे, ये सब बोल के वो वहाँ से चले गए। द लैंड वॉज स्केयर्ड, जो टॉम जो था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ओ माई गॉड वट आई हैव डन, वो कहता है ओ माई गॉड ये मैंने क्या कर दिया। आई शेल सॉरी वट शेल हैपन टूमारो, और अब कल क्या होगा। थॉट टॉम, टॉम ये सोचता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम हैडेड टू वर्ड द लैंडलॉर्ड्स हाउस, अगली सुबह जो टॉम है वो लैंडलॉर्ड जमींदार के घर पर जाता है। मिस्टर जॉर्ज रिसीव्ड हिम वेल एंड आस्क्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट टू टेक द बॉय टू द रूम इन द बेसमेंट, और जो मिस्टर जॉर्ज हैं वो अपने एक किसी नौकर को बोलते हैं कि इस लड़के को बेसमेंट मतलब कि तह खाने के किसी कमरे में ले जाओ। वट आई एम बीइंग टेकन देयर, आस्क्ड टॉम, टॉम बोलता है मुझे वहाँ पर क्यों लेके जा रही हो। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब कल हम इसका अगला शुरू करेंगे। थैंक यू।